दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों, प्याज का मुद्दा लगातार गर्म है, अब मुद्दा लहसुन का है। आज मैं लहसुन की बात करूंगा कि लहसुन का दाम दरअसल इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्यों लहसुन का दाम 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई, ऐसा क्या हुआ कि जो लहसुन पिछले साल मंडियों में किसान सिर्फ 5 रुपए किलो बेचने पे मजबूर थे, वो लहसुन अब उनके घर से 200-300 रुपए किलो क्यों खरीदा जा रहा और क्यों उपभोक्ता तक ये 400 रुपए किलो तक मिल रहा। तो इसके पूरा गणित, इसका जो अर्थशास्त्र है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो ये खेती का जो ये अर्थशास्त्र है, जो सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं समझते, इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। आज दरअसल प्याज जो है कई सारे मंडियों में 1 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहा, और महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक में ये मांग हो रही कि इसका एक्सपोर्ट जो है वो जो बंद है पिछले 2 महीने से लगभग, उसको खोल दिया जाए। हम इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात करेंगे कि लहसुन को लेकर के, कि जो लहसुन का दाम आज 400 रुपए किलो तक हो गया है, क्या अगले साल इसी तरह से प्याज का भी दाम हो जाएगा? क्योंकि 1 रुपए किलो से परेशान होकर के, 2 रुपए किलो से परेशान होकर के किसान खेती कम कर देंगे और अगले साल यही स्थिति प्याज की हो जाएगी। क्या ये जो गणित है किसानों का, एक सिंपल सा ये गणित है, उसे क्या भारत सरकार नहीं समझना चाहती है? क्या उसके जो नुमाइंदे हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, जो नीति बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर हमारे हैं, वो क्यों नहीं इसे समझना चाहते, इस पे बातचीत करेंगे। दरअसल लहसुन की खेती करने वाले जो किसान हैं, उन्होंने जो ये बता दिया है कि ये इसका जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से चलता है, और वो बताया इससे है कि उन्होंने खेती कम कर दी है, और खेती कम करने की वजह से उत्पादन कम हो गया है, और उत्पादन कम होने की वजह से मार्केट में लहसुन की शॉर्टेज हो गई है, और उस शॉर्टेज की वजह से 400 रुपए किलो तक लहसुन का दाम पहुंच गया है। अगर ये लहसुन का दाम पिछले साल उपभोक्ताओं ने 100 रुपए 125 रुपए किलो तक भुगतान किया होता, तो आज उन्हें 400 रुपए खरीदने की नौबत नहीं आती। तो ये जो सरकार का झोल है, ये जो नौकरशाहों का झोल है, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, तमाम मंत्रालयों के जो झोल है, उसकी कीमत जो है वो कंज्यूमर भी चुका रहा है और किसान भी चुका रहा है, दोनों इसकी कीमत भुगत रहे हैं, और मजा कोई और इसमें मार रहा। इसीलिए हम इस पे बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या, उसकी जड़ क्या है। दरअसल पिछले साल जनवरी में हम ये बात कर रहे थे कि इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि जनवरी में दाम लहसुन का 5 रुपए किलो क्यों रह गया। मध्य प्रदेश के तमाम किसानों से हमारी बातचीत हो रही थी, और वो ये लगातार कह रहे थे कि हमने खेती की है और वो खेती की पूरी लागत बर्बाद हो गई, मंडियों में जाने तक का दाम नहीं निकल पा रहा, ट्रक का भाड़ा नहीं निकल पा रहा। लेकिन सरकार तब नहीं सुन रही थी, तब सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने इसकी खेती बिल्कुल बंद कर दी। एक हमारे किसान है जिनसे आज हमने बात कर ली है, आकाश बघेल, वो विदिशा के किसान है। उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने 10 बीघे में खेती की थी, और इस साल पिछले साल 10 बीघे में खेती की थी, 4 लाख रुपए का घाटा हुआ उसमें, सिर्फ 5 रुपए से मैक्सिमम 35 रुपए तक का दाम मिला था, जो नाकाफी था, और इसलिए 4 लाख रुपए का घाटा हुआ, और उन्होंने खेती छोड़ दी और खेती में गेहूं और चना बो दिया, लहसुन की खेती नहीं की। नतीजा इसी तरह से और तमाम किसानों ने यही कदम उठाया कि जब लहसुन 5 रुपए किलो में बेचना है, सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, तो हम किसकी खेती करें ही क्यों? कोई हम चैरिटी तो कर नहीं रहे, हमारी आजीविका चलाने के लिए हम खेती करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत के बाद अगर 5 रुपए किलो लहसुन का दाम मिल रहा, तो इसकी खेती करने का फायदा क्यों? सरकार ने, ये जो किसान है, किसानों ने इसी अर्थशास्त्र को, किसान किसी आईआईएम में नहीं पढ़ता, किसी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता, लेकिन मैनेजमेंट के जितने नियम है वो सब वो भी फॉलो करता है, मंडी में फॉलो करता है, अपने घर पे फॉलो करता है। तो किसानों ने घाटे का ये जो बिजनेस था, जैसे बिजनेसमैन घाटे का बिजनेस बंद कर देता, किसानों ने इसकी खेती बंद कर दी, और इसकी खेती बंद करने का नतीजा ये हुआ कि तमाम में, रतलाम में, उज्जैन में, जो विदिशा में, जो बड़े
जहां पे बड़े पैमाने पे लहसुन की खेती होती है वहां पे 80% 90% तक खेती इसकी कम कर दी गई। किसान इतने दबा थे, सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, किसान चीखते चिल्लाते रहे, कोई मदद नहीं मिली। जबकि ये मसाला फसल है, मसालों का दाम इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन किसानों के घर से जो बड़े पैमाने पे उपजाया जा रहा था उसका ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो किसानों ने बंद कर दी। सीधा सीधा अर्थशास्त्र उन्होंने लगाया कि हमें घाटे में खेती नहीं करनी, गेहूं की खेती करेंगे तो कम से कम मुनाफा नहीं होगा तो घाटा तो नहीं होगा। इस तरह से तो नहीं होगा कि मेहनत 10 बीघे मेहनत कर रहे हैं और हमें पैसा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने खेती बंद कर दी, और खेती बंद करने का नतीजा यह है कि इस साल पूरे मार्केट में शॉर्टेज हुई, और उस शॉर्टेज का नतीजा यह है कि 400 रुपये किलो हमारा दाम हो गया। आज तमाम मंडियों में 22,000 रुपये क्विंटल के आसपास थोक भाव है इसका, यानी 2,200 रुपये। आप समझ लीजिए कि 22,000 रुपये किलो का मतलब क्या होता है कि अगर थोक भाव है तो मार्केट में आप रिटेल में आप तक आते आते तो इसका दाम बढ़ ही जाएगा निश्चित तौर पे, और उसकी कीमत सबसे ज्यादा उपभोक्ता चुका रहा। दूसरे ओर किसान कैसे इसकी कीमत चुका रहे हैं कि किसान अगर उन्होंने बुआई की होती ठीक ठाक तो उन्हें कम से कम 60-70-80 रुपये इस बार मिल सकता था, किसानों को दाम नहीं मिला। अब इस पे बात करते हैं कि आखिर जो है कि इसमें खेती कितनी कम हुई है, इसका आंकड़ा भी कृषि मंत्रालय ने दिया है, वो आंकड़ा मेरे पास है, वो आंकड़ा मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा दोस्तों कि खेती दरअसल लहसुन की खेती कितने में होती है, कितने एकड़ में होती है, क्या है, क्योंकि तमाम लोग ये सोचते होंगे कि आखिर लहसुन का रातों रात ऐसा क्या हुआ, क्या इसका गणित है कि पिछले साल जो लहसुन कौड़ियों के भाव बिक रहा था हमें इस बार 400 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये कंज्यूमर के लिए भी एक सोचने का विषय है, किसान के लिए भी है, और हमारे नीति निर्धारकों और नेताओं के लिए उससे ज्यादा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट हमने निकलवाई है, उस रिपोर्ट के जो वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2021-22 में देश भर में 4,31,000 हेक्टेयर में लहसुन बोया गया था, और 2023-22-23 में जो तीसरा एडवांस एस्टिमेट होता है उसमें आकर के ये सिर्फ 3,86,000 हेक्टेयर में सिमट गया, यानी इसका रकबा एक साल में 45,000 एकड़ घट गया। इसका फायदा जो है जो इसके ट्रेड में लोग हैं उसने उन्होंने इसका फायदा उठाया, कुछ तो तेजी है कि भाई रकबा कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, लेकिन जो ये सेंटिमेंट एक होता है उसका फायदा इन्होंने उठाया, व्यापारियों ने उठाया। और ये जो अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो 10.4% रकबा कम हो गया एक साल में लहसुन का। दूसरी ओर अगर हम उत्पादन पे आते हैं तो उत्पादन 35,23,000 मीट्रिक टन का हुआ था 21-22 में, और 22-23 में जब हम आते हैं तो वो घट करके 32,33,000 मीट्रिक टन रह जाता है, यानी 2,90,000 मीट्रिक टन की जो वो है गिरावट है उत्पादन में वो आती है, यानी लगभग 8.2% के आसपास की जो गिरावट है, और इस गिरावट से ही क्राइसिस उत्पन्न हुआ, और वो नतीजा यह है कि हम इतना ज्यादा भाव पे ये लहसुन खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो इस साल अच्छा दाम मिल रहा है ये अगले साल भी मिलता रहेगा, और किसान बुआई करके जो पिछले साल का घाटा वो पूरा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस तरह की नौबत क्यों आती है, क्योंकि किसानों का कहना है लहसुन के बाद अगर हम प्याज पे बात करें, लहसुन प्याज की अक्सर एक साथ बात होती है, प्याज की बात करें तो जो पिछले साल लहसुन का के हालात थे वही इस साल प्याज के हालात हैं। प्याज 1 रुपए 2 रुपए किलो पे किसान बेचने के लिए मजबूर हैं। अगस्त 2023 से लगातार सरकार जो है प्याज किसानों पे बैन लगा रही है, या कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पे लगा देती है, कभी एमएपी के दायरे में उसे ले आती है, और कभी एक्सपोर्ट बंद कर देती है। लेकिन इसका नतीजा क्या है कि तमाम मंडियों में आवक बढ़ गई है, और इतनी रिकॉर्ड आवक हो रही है कि उसकी वजह से 1-1 रुपए किलो पे उन्हें बेचना पड़ रहा है, कई किसानों को मंडी तक ले जाने का भी दाम नहीं मिल रहा। तो क्या जो सरकार की पॉलिसी है, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो आप जानते हैं, उसके ऊपर एक मुनाफा तय करके फिक्स करिए कि मिनिमम इससे कम पे दाम पे आपकी बिक्री नहीं होगी उपज की, तब तो हम फायदे में रहेंगे।
वरना हमेशा हम घाटे में रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा किस्सा होगा, या तो एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा या फिर कोई और आदेश आ जाएगा कि हम उसमें पिस जाएंगे। तो जब तक उनका एक एश्योर्ड इनकम नहीं होगी कि लहसुन की खेती में नुकसान नहीं होगा, जब तक ये वो तय नहीं कर पाएंगे, तब तक इस तरह की नौबतें आती रहेंगी कि आप एक साल 5 रुपए खरीदेंगे तो दूसरे साल 400 रुपए खरीदेंगे। दोनों साल का अगर आप मिलाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा, इसमें फायदा कोई और उठाएगा। तो जरूरत आज इस बात की है कि किसानों को, उपभोक्ताओं को, दोनों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, एक बैलेंस स्थापित करने के लिए, किसानों को उनकी लागत के ऊपर मुनाफा मिले, और दूसरी बात कि उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम न मिले, ये भी उससे सुनिश्चित होगा, ये भी सुनिश्चित होगा। क्योंकि तो अगर उत्पादन एक बैलेंस होगा, जितना उत्पादन जितनी खपत है उसके आसपास होगा, तो आपको ज्यादा दाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाएगा तो आपको दाम देना पड़ेगा। ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स का फार्मूला, और यही उन्होंने, किसानों ने अपनाया है। तो फिलहाल लहसुन प्याज को लेकर के जो अभी स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां दूसरी फसलों पे ना जाए, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये इस चीज का किसान भी चिंतन मनन करें कि आखिर वो एक साथ इतनी ज्यादा बुआई ना कर दें किसी फसल की, कि इस साल बहुत दाम मिल रहा, तो अगले साल पता लगा कि सब किसानों ने सिर्फ लहसुन की बुआई कर दी, तो फिर अगले साल भी वही 5 रुपए वाली नौबत आ जाएगी। तो इसमें किसानों को भी बैलेंस एक बनाने की जरूरत है, सरकार को भी बैलेंस बनाने की जरूरत है, और उपभोक्ताओं को भी ये सोचने की जरूरत है कि अगर आप कोई भी चीज इस साल किसानों से 2 साल सस्ता खरीदना चाहते हैं, सस्ता पा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, तो यकीन मानिए कि अगले 2-3 साल बाद, या हो सकता अगले साल ही, आपको उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, जैसे लहसुन में चुकानी पड़ रही है। और यही हाल हो सकता है प्याज का भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों में एक संतुलन बैठाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ता और किसान, कंज्यूमर और किसान, दोनों का हित सुरक्षित रहे। वरना इस तरह की स्थितियां आएंगी कि जो चीज आपको 100 रुपए किलो मिलनी चाहिए वो 400 रुपए किलो मिलेगी। अदरक वाले में भी, अदरक के मामले में यही स्थिति है। पिछले साल 500-700 रुपए क्विंटल पे बेच रहे थे, इस साल 16,000 रुपए क्विंटल पे अदरक बिक रहा थोक में, क्योंकि आपने पिछले साल दाम नहीं दिया तो उन्होंने खेती कम कर दी। तो ये सरकार को तय करने की जरूरत है कि जो उपभोक्ताओं की, जो किसान की लागत आ रही है, उससे कम पे बेचने पे वो मजबूर ना हो पड़े, ना हो, ऐसी स्थिति न पैदा की जाए कि वो खेती छोड़ दे, जैसे इस साल किसानों, प्याज किसानों के साथ हो रहा है। मैं फिर कहूंगा कि किसान उपभोक्ता भी है, इसलिए दोनों की बात करनी चाहिए, कि खेती और किसान और कंज्यूमर दोनों की बात करनी चाहिए, और दोनों में एक संतुलन बैठाना चाहिए। किसी को ज्यादा दबाना नहीं ठीक है, किसी को ज्यादा छूट देना नहीं ठीक है। तो फिलहाल जो सरकार को किसानों ने सबक दिया है, लहसुन किसानों ने सबक दिया है, उससे प्याज के मामले पे सरकार को सोचने की जरूरत है कि अगर उन्हें इतना दबाया गया कि 1 रुपये 2 रुपये किलो दाम मिलेगा, तो वो इसकी खेती छोड़ सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। और खेती बहुत कम कर देंगे तो यकीन मानिए कि हो सकता है अगले साल 150-200 रुपए किलो प्याज खरीदनी पड़े, या आपको प्याज इंपोर्ट करनी पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। तो उस नौबत से पहले एक कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और जो उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, दोनों से इस सब में संतुलन बैठाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है कि आखिर किसी के हित ज्यादा प्रभावित ना हो, किसी के हितों पे ज्यादा कुठाराघात ना हो, तभी ये उपभोक्ता और किसानों दोनों का हित सुरक्षित रह सकता है। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, अगली कड़ी में फिर हम इसी तरह के किसी एग्री कमोडिटी पे बात करेंगे। और लहसुन की ये पूरी खबर आप किसान तक.in पे पढ़ सकते हैं, ऐसी तमाम और कमोडिटी की खबर आप किसान तक.in पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।